देखो, ये एक और सवाल है, आई सेक्शन है, इसमें 150x25, 225x250, 225x50 और 250x50, इसका क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, हमेशा 6 के साथ ही आता है, पता नहीं क्यों। आई सेक्शन, ये सब दिया हुआ है डायमेंशन। अब पहला इसने बोला है कि ड्रॉ फ्री हैंड स्केच, तो जैसे ये है फ्री हैंड स्केच, पर आप स्केल से बनाना, एंड कैलकुलेट ईजी ऑफ सेक्शन, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सीजी यस ये है सीजी ऑफ सेक्शन, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू, अब सीजी लिखा है, सीजी ऑफ सेक्शन हिंदी में पढ़ना है, मुक्त हस्तचित्र बनाकर काट का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए, गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के पारित काट के जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। थोड़ी बहुत इसमें और लाइन लिख देते तो बढ़िया पोयम बन जाती, शेरो शायरी हो जाती, इतनी कठिन हिंदी है ये, मुझे मुझे इतनी आदत नहीं है। तो समझ गए क्या करना, पहले इसका सीजी निकालना। अब इसमें तीन एरिया हैं, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। A1 कितना आएगा, हाँ 125 एक ही बात है, कहाँ मेरा कैलकुलेटर, ये रहा, निकाल लो। हाँ 25 है, नीचे वाले में 50 है, हाँ सही बात है, ये नहीं है, ये है 25, ये 25 है चौड़ाई, ठीक है। अभी दिख रहा है इसमें, अभी फ्लैश लाइट है तो ठीक, हाँ 3750, हाँ ये इसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी ना अभी। A2 कितना आएगा, 225 25 25 5625 हाँ 5625 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर A3 अब है 250x50, सही 12,500 मिलीमीटर स्क्वायर। A1 A2 A3 आ गया, X1 X2 X3। अब अपन मान लो इसकी जो रेफरेंस वाली एक्सिस है, जिससे अपन सबके सेंटर की दूरी निकालेंगे, A1 के सेंटर की दूरी, A2 के सेंटर की दूरी, A3 के सेंटर की दूरी, ये अपन कहाँ से निकालते हैं, रेफरेंस वाली एक्सिस से। इसको अपन कहीं भी मान सकते हैं, मान लो वो यहाँ पे है, मान लो वो यहाँ पे है, कहाँ मान लें, यहाँ मान लें, ऊपर मान लेते हैं, जैसा तुम बोलो। अरे ये है, मान लो वो रेफरेंस वाली एक्सिस, इसका अपन नाम दे देते हैं एक्स एक्स दे देते हैं, जो देना ए ए बी बी सी सी, तुम्हारी जो इच्छा हो दे देना, वाई वाई मत देना, अजीब लगेगा, कंफ्यूजन होगा कि वाई वाई तो वर्टिकल होता है, एक्स 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 की जगह वाई वाई क्यों दे रहे हो फिर। तो अब X1 क्या आएगा, A1 के केंद्र की दूरी यहां से, तो ये आ जाएगा 25 का आधा, 12.5 मिलीमीटर, में अभी किसी में भी यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सब मिलीमीटर में चल रहा है। A2 का केंद्र यहां पे है, तो ये दूरी और यहां से यहां तक की दूरी 225 का आधा आएगी, तो ये दूरी कितनी आएगी, X2। तो X2 में क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये पूरा, इसका आधा कर दिया था पिछली बार, इसका आधा अभी नहीं करना है ना, इसका आधा ये रहेगा और इसमें ये पूरा जुड़ेगा, पिछली बार तुमने इसका आधा जोड़ दिया था, गलती करी थी, अरे कर तो दिया था, 50 का 25 कर दिया था। तो इसमें क्या क्या जुड़ रहा है,
225 का आधा प्लस ये वाला 25। अब इसी तरह x3, a3 का केंद्र है यहां, a3 का केंद्र है यहां, तो हमें चाहिए ये दूरी। तो इसमें ये 25 जोड़ दो, प्लस ये कितना है, ये भी जोड़ दो। जोड़ते जाता हूं मैं ऐसे लिख लेता हूं, 25 प्लस 225। अब इसमें A3 की जितनी डेप्थ है उसका आधा जोड़ दो, 50 का आधा 25, 225, और ये हो जाएगा 50, तो हाँ 275। x3 नहीं, x3। अच्छा x2 की निकाल ली, कितनी आई, अब सबसे पहले सीजी निकालना है, फिर एमआई निकलेगा। पहले सीजी नहीं निकाल सकते, पहले एमआई नहीं निकाल सकते क्योंकि सीजी नहीं पता कहाँ है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन लगा नहीं पाएंगे। तो सीजी x बार अपन निकालेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, 3750 मल्टीप्लाई बाय x1 12.5 प्लस a2 5625 मल्टीप्लाई बाय x2 137.5 प्लस a3, नहीं, a3 है, 12500 मल्टीप्लाई बाय x3 275 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को जोड़ना है, 3750 प्लस 5625 प्लस 12500। अब कैलकुलेटर की बारी, अब ब्रैकेट का उपयोग करना है, बिना कंजूसी के ब्रैकेट का उपयोग करना है। देख लो पहले कैसे ब्रैकेट शुरू, अब ऊपर ऊपर का सब, 3750 गुणा 12.5 प्लस 5625 मल्टीप्लाई 137.5 प्लस 12500 मल्टीप्लाई 275। अब ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, अब डिवाइड बाय नया ब्रैकेट, अब नीचे नीचे का, 3750 प्लस 5625 प्लस 25 1250, ब्रैकेट बंद। सिर्फ अब सही जवाब आएगा, नहीं आएगा। हाँ? बिल्कुल सही, ये कर रहेगा। अच्छा आप लोगों ने भी सॉल्व किया था, सही है एकदम। हाँ, तुमको सॉल्व करने को दिया था। हाँ बढ़िया, दो बार करके मतलब होशियार हो तुम लोग, अपने आप को कम मत समझो, तो चलो ये अच्छी बात है। अब ये निकला है x बार, अब ये इसको अपन लाल, मतलब ये एक ऐसी एक्सिस की लोकेशन मिल गई जो एक्सिस इस पूरे आई सेक्शन के सेंटर से जा रही है। आई सेक्शन का सेंटर ऐसा नहीं है कि ऊपर और नीचे से बराबर दूरी पे आएगा, उसको सेंटर नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आई सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया, तो ये कितना आया, एक्स बार यहां बना दूं, एक्स बार, ये वन हाँ सिक्स 194.643 मिलीमीटर। अब मिली। आपको इस एक्सेस से
A1 के केंद्र, A2 के केंद्र और A3 के केंद्र की दूरी निकाल ली तो वो मिल जाएगा D1, D2, D3। तो ये किसका केंद्र है? A1 का। इसकी ये दूरी निकाल लो तो ये मिल जाएगा D1। तो ये बहुत सिंपल है। ये देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 194, उसमें से सिर्फ ये 25 घटा दे, नहीं ये कितना है, 12.5 है, तो सिर्फ 12.5 घटा दो, 182.14, ठीक है ना। अब ये किसका सीजी है? एरिया टू का। तो इसकी ये सीजी से पास होने वाली एक्सिस से दूरी कितनी, D2 हो जाएगी। ये कितना निकलेगा, इसकी दूरी आप ऊपर से निकाल लो, कितनी आएगी, इतनी प्लस इतनी, ये कितना है, 25 है, और यहां से यहां तक का कितना आएगा, 225 बटा 2 आएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है, 225 है। तो 225, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, D2 कितना आएगा, 225/2 प्लस 25 माइनस 194.643। इनको और इनको जोड़ दिया है, ये है 25, ये रहा 25, और इतनी दूरी है इस पूरे का हाफ, ये पूरा है 225, तो उसका हाफ 225 बटा 2। इस पूरे में से यहां से यहां तक की पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस करें तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, D2 कितना आएगा, D2 नहीं आ पा रहा क्या, 225 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 25 माइनस आंसर -57। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, -57.14। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अब आप ऊपर से एक्सिस को पार करके नीचे की ओर आ गए, ठीक है। जब हम फॉर्मूले में D2 रखेंगे तो याद करो D2 का स्क्वायर होता है, तो ये माइनस साइन चाहे हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब A3 का सेंटर है ये, इसकी इस एक्सिस से दूरी आप निकालोगे तो क्या कहलाएगी, D3, ये निकालना है। तो क्या करो, सबसे ऊपर से टॉप पे से इस केंद्र की दूरी निकाल लो, कैसे कैसे, ये 25 प्लस ये 225 प्लस इतना, इतना कितना, 50 का आधा, नहीं ये 25 आ गया है ना, है ना, तो इन तीनों को जोड़ो, 25 225 25, ठीक है, ये पूरा 225 है, नहीं ये 275 है ना, अच्छा हाँ यार ये निकाल रखी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, तो D3 इक्वल टू इस पूरे में से 194.643 कितना आ रहा है, 275 आया था ये टोटल इन तीनों का, माइनस 194.643, हाँ 80.357 मिलीमीटर। अब D1, D2, D3 मिल गए, D1 यहीं लिखा है, इसको भी नीचे लिख देता हूं मैं, 182.14, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो 1, 1 एक्सिस के अबाउट,
तो सबसे पहले A1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल BD³/12 के फॉर्मूले से कितना आएगा, 150, और 25 में से 25 को काटने वाली रेखा है हॉरिजॉन्टल। हाँ नहीं, क्यूब आएगा ना, है ना, तो 150 × 25 का क्यूब बाय 12। अब इसके घर की दूरी जहां पे जाके मैच खेलना उससे दूरी कितनी है, D1 है, तो 184.14। पहले तो एरिया जाएगा 150 × 25 × D1 का स्क्वायर, D1 ये लिखा है, 182.14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे एरिया एरिया नंबर 2 का उसी के सेंटर से जाने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये 225 को दो भागों में बांट रहा है ये एक्सेस, तो 25 × 225 का क्यूब, ये मैं बोलना चाह रहा था, बटा 12, प्लस इसका एरिया × D2², क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना है, 1-1 के अबाउट निकालना है, तो प्लस इसका एरिया कितना आएगा, 225 × 25 × D2 का स्क्वायर, D2 कितना आया, 57। माइनस में रख दो कोई दिक्कत नहीं, आई अब ये A3 वाला एरिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सेस जा रही है, ये 50 को काट रही है, तो 50 का क्यूब, ठीक है, 250 × 50³/12 प्लस A3, A3 कितना है, 250 × 25 × D3 का स्क्वायर, तो वो आया था 80.357 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हैं, दिख रहा है कैलकुलेटर, सर हाँ ये जो डेढ़ जो इनटू 25 क्यूब है हाँ उसके सिंबल है लगता है लगता है। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ पे प्लस की जगह, हाँ सही कह रहे हो, ये गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया था। तो अब क्या करना है इसमें, अब देखो 150 × 25 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, सबसे पहले गुणा भाग होता है फिर प्लस होता है, तो इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है,209661 356.7 mm की power 4। हाँ ये नहीं आया था, एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ।